डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने खास जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब किन्नौर कैलाश की यात्रा प्रशासन की ओर से पूरी तरह से बंद हो गई है। ये यात्री 15 अगस्त से पहले प्रशासन के नियमों के तहत यात्रा कर रहे थे, लेकिन वापसी के दौरान किन्नौर कैलाश के समीप नाले का जल स्तर बढ़ चुका है। ऐसे में पुलिस की रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया और 100 से ज्यादा यात्रियों को किन्नर कैलाश से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। प्रशासन ने इन यात्रियों को अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना भी कर दिया। डीसी ने कहा कि अब प्रशासन की ओर से किन्नर कैलाश की यात्रा को स्थगित किया गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति गुपचुप तरीके से इस यात्रा को करने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति पर डिस्चार्ज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।